नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। एटा में कृषि कानूनों की वापसी के बाद भारतीय जनता पार्टी नाराज किसानों को अपने पाले में करने में लगी है। इसी के मद्देनजर पार्टी ने ट्रैक्टर रैली के जरिए किसानों को मनाने की कवायद शुरू कर दी है। इसके चलते मंगलवार को ट्रैक्टर रैली को हरी झंडी दिखाने सत्य प्रकाश राजपूत किसान मोर्चा प्रदेश मंत्री। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की तरफ से किसान हितों में किए गए कार्यों को बताया। वहां मौजूद कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें हनुमान की भूमिका निभानी है। पार्टी की सीटों को आगामी विधानसभा चुनाव में 350 के पार पहुंचाकर फिर से योगी की सरकार बनानी है। कहा कि पीएम मोदी सागर माला बना रहे हैं, भारत माला बना रहे हैं, लिहाजा उनके लिए हमें विजय माला बनानी है। ट्रैक्टर रैली को दिखाई हरी झंडी। शहर के बड़ेल तिराहे के पास एक मैदान में भारतीय किसान मोर्चा द्वारा आयोजित ट्रैक्टर रैली को हरी झंडी दिखाने पहुंचे सत्य प्रकाश राजपूत ने। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान हमारे लिए भगवान है, गांव में ही भारत बसता है, मोदी का सपना है न्यू इंडिया बनाना, लिहाजा स्मार्ट विलेज बनाए जा रहे हैं। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि 60 साल की उम्र से ज्यादा के किसानों के लिए जो फावड़ा वहल नहीं चला सकते उनके लिए मोदी सरकार ने पेंशन देने की घोषणा की है। साथ ही दूसरों के खेतों में काम करने वाले मजदूरों को भी पेंशन देने की योजना और कहा कि किसानों की एक एक समस्या का समाधान हो रहा है। 1,42,000 करोड़ गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान हुआ है। 119 चीनी मिलें संचालित की गई है और कहा कि किसानों की एक एक समस्या का समाधान हो रहा है। 1,42,000 करोड़ गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान हुआ है। 119 चीनी मिलें संचालित की गई है। कहा कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए पीएम मोदी ने जो किया वो अद्भुत है और अतुलनीय है। भाजपा सरकार की तरफ से किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं से किसान खुशहाल हुआ है। इस दौरान कार्यकर्ताओं से उन्होंने आह्वान किया कि गांव-गांव जाकर लोगों की योगी मोदी सरकार की उपलब्धियां बताएं, किसानों के लिए लागू एक एक योजनाओं को बताएं। आपको बता दें कि रैली की शुरुआत करते हुए जल शक्ति मंत्री ने ट्रैक्टर भी चलाया। ये ट्रैक्टर रैली बडेल तिराहे के नजदीक स्थित एक मैदान से शुरू होकर शहर के कई मार्गों से होती हुई गन्ना संस्थान परिसर में जाकर आज भाजपा की सबसे ज्यादा जो किसान की रैली निकाली जा रही है ट्रैक्टर रैली, इस बारे में आप क्या कहेंगी? ये कार्यक्रम किसानों का पूरे प्रदेश में हो रहा है और आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कामेश्वर जी ने जो आह्वान किया है, हर जिले में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये कार्यक्रम किसानों के हमारे जो खेती किसानी से जुड़े हुए देहात के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हमारे अन्नदाता, उनकी जो खेती किसानी से जो हमारे कल्याणकारी योजनाएं हमारे माननीय योगी जी ने, माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने जो उनको कल्याणकारी योजनाएं दी हैं, उनको वहां तक पहुंचाने के लिए, किसानों तक पहुंचाने के लिए उनका पूरा लाभ मिले उनको, और लाभ के साथ साथ उनको पूरी जानकारी मिल जाए कि हमें जो योजना दी गई हमारे लोग जो योजना दी है गरीब किसानों को उनके हित के लिए, चाहे मुद्रा परीक्षण योजना, मृदा परीक्षण योजना और किसान सम्मान निधि योजना और आपकी किसान की जो खेती करता है किसान, उसकी कृषि में जो नुकसान होता है पहले 50% में कहीं जा करके उसे पूरा बीमा मिलता था, अब हमारी जब से सरकार बनी है उससे घटा करके 50 से घटा करके 33% में ले आई है। 33% से भी 1% कम हो जाएगा फिर भी पूरा बीमा मिलेगा। तो ये हमारे किसानों को बहुत सारी इस तरह की योजनाएं उपकरणों पर, कृषि संबंधी जो उपकरण है, खेती से संबंधित जो उपकरण है उन पर सब्सिडी, बीजों पर सब्सिडी, ये किसानों की बहुत बड़ी छूट दी जाती है और उनको लाभ दिया जाता है और उनके विकास के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए 4% दिया दे जा रही है हमारी सरकार, जिससे वो अपने मुर्गी पालन, मछली पालन, डेयरी उद्योग, जो भी छोटा मोटा उद्योग करना चाहें आराम से कर सकते हैं। सस्ती ब्याज पे उनको पैसा मुहैया कराया जाता है। तो मेरा कहना मानना यह है कि हमारी सरकार अब तक की जो सरकार नहीं उनसे ज़्यादा बहुत कुछ कर रही है किसानों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए। तो जितनी योजनाएं, ये योजनाएं जैसे पहले कभी आपने सुना भी नहीं होगा कि किसानों के हित में इससे पहले सरकार थी 30 सुगर मिल बंद किए थे और
वो हमारी सरकार ने अपने आते ही उनको चालू कराया, नई कोई और भी जो चीज में लगाए, और जो पूरा उतना जो भुगतान था वो लगभग 70% 80% उनका भुगतान किया है, जलाल पेंडे पड़ा हुआ था। साथ ही जो गन्ने का मूल्य कम था वो 350 रुपया प्रति क्विंटल किया है, जिससे कम से कम 8% किसानों को लाभ होगा और उसे हजारों लाखों किसान लाभान्वित होंगे। ये सारी योजनाएं हमारे सरकार की हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं किसानों के हित में, नौजवानों के हित में, सभी जो हमारा गरीब मजदूर वर्ग का जितना भी जो भी है ये वो सब उसका लाभान्वित होंगे। अध्यक्ष जी, आज बीजेपी की जो ट्रैक्टर रैली यात्रा निकाली जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या लक्ष्य है भाजपा का? बीजेपी की जो ट्रैक्टर रैली है, हमारे किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का जो मोर्चा है किसान मोर्चा, उसके सानिध्य में उसके अंतर्गत निकाली जा रही है। और हम अपने किसान भाई जो हमारे अन्नदाता है, हमको हर जिले में एक संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा अपने अन्नदाता के साथ रही है, अन्नदाता के लिए सब कुछ बहुत कुछ किया है और अभी भी है और आगे भी रहेगी। अध्यक्ष जी, जो भाजपा का सबसे ज्यादा सीटें लाने, क्या कितनी सीटें लाएगी इस बार जो भाजपा? तो हमारे नेता बता रहे हैं कितनी सीटें लाएगी, हमारे नेताओं ने बताया है। और एटा की हम बात करते हैं, प्रदेशों में हमारे प्रदेश के नेता बताएंगे। एटा की हम चारों सीट जीते थे और आगे जीतेंगे 2022 के चुनाव में।